साउथ से मिलेगा सुपरहिट का सौभाग्य? क्या साउथ के सहारे है बॉलीवुड के सितारे? क्या नहीं चल पा रही बॉलीवुड की गाड़ी? जी हाँ, साउथ के ट्रिपल आर, पुष्पा 2.0, बाहुबली और KGF जैसी बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि बॉलीवुड की बड़े बजट वाली बड़ी बड़ी फिल्में धराशायी होती नजर आईं, भले ही उन फिल्मों में कितना ही बड़ा स्टार क्यों न रहा हो। अब साउथ सिनेमा का क्रेज बॉलीवुड को कहीं पीछे छोड़ता तो नहीं नजर आ रहा? और क्या यही वजह है कि अब साउथ के स्टार्स को बॉलीवुड में लेने की स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है? जी हाँ, करंट सिनेरियो को देखें तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि शाहरुख, सलमान और आमिर, इन तीनों का साउथ से कुछ ना कुछ कनेक्शन चल रहा है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान दशहरा में रिलीज होने वाली चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर से साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले हैं। अब अपने दम पर फिल्में हिट कराने वाले सलमान के सामने ऐसी क्या वजह आ गई कि उन्हें साउथ की तरफ देखना पड़ रहा है? सोचिए। तो वहीं अब बात करते हैं काफी टाइम से बॉक्स ऑफिस से गायब रहे बादशाह खान की। लगता है कि इस ब्रेक पीरियड में शाहरुख अपने फिल्मों के लिए स्ट्रेटजी ही प्लान कर रहे थे। जी हाँ, शाहरुख खान की आने वाले फिल्म जवान में भर भर के टॉलीवुड कनेक्शन देखने को मिलेंगे। जहाँ उनकी इस फिल्म को साउथ के एटली डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं फिल्म में साउथ की ही एक्ट्रेस नयनतारा होंगी। और कुछ ही दिन पहले मास्टर, विक्रम वेधा जैसी फिल्मों में जबरदस्त दीवानगी हासिल करने वाले विजय सेतुपति का इस फिल्म से जुड़ना फिल्म की ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त इजाफा कर रहा है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक इस फिल्म का जबरदस्त बस देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि साउथ के इन स्टार्स से जुड़ने के बाद शाहरुख की फिल्म जवान अभी से 1000 करोड़ का माइलस्टोन पार करती दिख रही है। वहीं विजय श्रीराम राघवन की मैरी क्रिसमस में कटरीना कैफ के साथ भी दिखेंगे। वह साउथ वाले इसी फॉर्मूले पर आमिर खान भी आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा में साउथ के सुपरस्टार नागा चैतन्य लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा हॉल्स में दस्तक देगी। वैसे साउथ का ये कनेक्शन सिर्फ खान तक ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड में दिख रहा है। जी हाँ, डियर कॉमरेड, अर्जुन रेड्डी जैसी सुपरहिट फिल्में कर चुके विजय देवरकोंडा को उनकी एक्शन फिल्मों और दमदार डायलॉग्स के लिए जाना जाता है। साउथ में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद अब विजय बॉलीवुड फिल्म लाइगर में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ अनन्या पांडे हैं। वैसे जिस तरह से साउथ की फिल्में हिट हो रही हैं, साउथ के डायरेक्टर, वहां के एक्टर बॉलीवुड में आकर राज कर रहे हैं, क्या उसी पैटर्न को देखते हुए बॉलीवुड के एक्टर्स ये स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में अक्षय कुमार कहीं पीछे पाए गए हैं, क्योंकि जहां तीनों खान्स की फिल्मों में ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम फैक्टर्स हैं, तो वही अक्षय जो फिल्में कर रहे हैं वो वही फिल्में हैं जो उन्होंने पिछले एक साल में साइन की हैं, और उसमें इस तरह का कोई क्लू नहीं है कि वो साउथ के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं। यानी अक्षय साउथ लिंक में बिलीव नहीं करते। वैसे अक्षय की बड़े बजट की फिल्म पृथ्वीराज का हश्र तो हम सब ने देखा ही है। वेल, तो क्या साउथ स्टार्स वाला ये नया नुस्खा तीनों खान्स को फायदा देगा और अक्षय एक बार फिर से पिछड़ते हुए दिखे जाएंगे? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।